लखनऊ पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी क्रम में पुलिस ने वाहन चोरी व मोबाइल स्नैचिंग करने वाले शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये शातिर अभियुक्त एकांत स्थानों पर खड़े मोटरसाइकिल को चोरी करके राह चलती महिलाओं व्यक्तियों को निशाना बनाते थे और उनके हाथों से मोबाइल इत्यादि सामानों की स्नैचिंग किया करते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से कई मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद किए हैं। देखिए, विलासिता तो सभी लोगों को आकर्षित करती है। कुछ ज़रूरतें होती है, ज़रूरतें जब बढ़ जाती तो विलासिता में आ जाती है। महंगे मोबाइल का शौक, नशे की आदत, इन सब चीज़ों के कारण सही रास्ते से जीविका उपार्जन करने के स्थान पे इस तरह के अपराध में लोग आ जा रहे हैं। ये समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय, चिंतन का विषय है। लेकिन शुद्ध अपराध की बात करें तो ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते थे, फिर उन्हीं चोरी की गई मोटरसाइकिलों का उपयोग करके मोबाइल स्नैचिंग वगैरह का अपराध करते थे। जो आपके सामने अपराधी खड़े हैं, ये इनमें से चार लोग खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार के रहने वाले हैं और एक महानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दो बाल अपचारी है जिनके संबंध में जानकारी नहीं दी जा सकती। इनसे 5 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल कनेक्ट होने शेष है कि किस घटना से संबंधित है, और इनसे जो बरामदगी हुई है उसके आधार पर थाना गोमती नगर विस्तार, विभूतिखंड और महानगर, इन 4 थानों के अपराध अनावृत हुए। तो इस तरह से एक अच्छा गैंग हमारे गोमती नगर पुलिस और क्राइम टीम ने मिल के पकड़ा है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। तो पहले भी सर पकड़े गए इस मामलों में? हाँ, एक इनमें से एक का आपराधिक इतिहास पहले का है, जिसमें सन 2022 में 2 मुकदमे उसके विरुद्ध पंजीकृत है। उनमें भी 392,411 यानी कि लूट और उसकी संपत्ति की बरामदगी और एक चोरी की संपत्ति की बरामदगी का थाना गोमती नगर विस्तार और गोमती नगर का मुकदमा दोनों। सबसे घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कितने समय से? ये इनका जो सबसे पुराना इतिहास है वो यही है, 2022 का है। सर, ये अभी जैसे 4 युवा है, आपस में कैसे कनेक्ट हुए हैं और जो घटनाओं को अंजाम दे रहे थे आखिर कैसे? आपने देखा होगा, मैंने बताया कि चार लोग एक लोकेलिटी के रहने वाले और उसी पड़ोसी होने के नाते आपस में एक दूसरे से परिचित थे और किस तरह से पैसा कमाया जाए, इसी तरह से सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण ये लोग गलत रास्ते पे गए हैं और उसके कारण इनको अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जिससे कि इनका न्याय करके और इनके सर ये गाड़ियां आखिर जैसे चुराते थे तो गाड़ियां बेचने कहाँ ले जाते, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी दी, क्या कोई कबाड़ मार्केट इनके संपर्क में रहा? इन्होंने, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है जैसा इस एक घटना में हुआ, एक मोटरसाइकिल के को लेके इनके बीच विवाद हुआ पैसे को लेके, तो इन्होंने मोटरसाइकिल जला दी। फिर मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेचते हैं, एक मोटरसाइकिल के तो पहिए गायब हैं, तो पहिए इन्होंने बेच दिए, तो उसको हिस्से पुर्जों में करके बेचने का काम करते थे। और जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक तो जो स्नैचिंग के काम में प्रयोग करते थे उसको। गाड़ी सर एज ए होल कोई गाड़ी इन्होंने बेची हो ऐसा अभी प्रकाश में नहीं आया। अब तक कितनी गाड़ियों को ये लोग अपना जो है निशाना बना चुके हैं, कितनी गाड़ियां चुरा चुके हैं लगभग? तो 9 पर अभी जो 6 गाड़ियां बरामद हुई है, तो भाई इसके 5 गाड़ियां बरामद हुई अभी, और है उसके कितनी गाड़ियां? अभी देखिए, इन्वेस्टिगेशन इनके जो इनसे जो चीज़ बरामद की हुई हैं अभी पब्लिकली उनके बारे में नहीं बात की जा सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसमें संभावना है कि कुछ अन्य भी बरामदगी और कुछ अन्य क्राइमों से भी इनकी कनेक्टिविटी हो। सर, क्या इन लोगों को किसी को अपना लीडर मानना या इन्हीं लोगों में से कोई लीडर बना हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं होता है, जब जिसका वो हो जाता है तो करते हैं, आपस में एक गैंग है इनका और जिसके ऊपर ज़्यादा मुकदमे होते हैं सामान्यतः उसी को लीडर माना जाता है। तो उस दृष्टि से आप विमल रावत को इनका गैंग लीडर मान सकते हैं।